आज के थर्मल फिजिक्स के थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज वर्क डन, हाउ वर्क इज कैलकुलेटेड एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इन दिस पार्ट वी विल सी what is the exactly internal energy of a system. So every thermodynamic system has within itself a definite quantity of energy. For instance, a liquid freezes into solid yielding heat energy. Number two, zinc and copper sulfate in a Daniell cell react providing electrical energy. A mixture of hydrogen and oxygen gas explodes providing mechanical energy. This store of energy which not apparently shown by a system but is still capable of doing work is called internal energy or intrinsic energy. इसका कहने का मतलब हुआ कि thermodynamic system में कुछ ऐसे process भी होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन internally वे appears होते हैं, वो होते हैं और उनके चलते वर्क डन सिस्टम में होता है। इस तरह की चलते जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इस तरह की एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी या फिर इंट्रिंसिक एनर्जी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक हैज नथिंग टू डू विद द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, इट इज सफिशियंट फॉर इट्स पर्पस दैट सच ऑन एनर्जी एग्जिस्ट। हाउएवर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर is made up of large number of tiny particles called molecules which are in a state of constant rapid motion and hence possesses kinetic energy. Total kinetic energy of a molecule is called internal kinetic energy, while potential energy arises due to intermolecular attraction is called internal potential energy. तो हम लोगों ने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह के एनर्जीज के लिए कोई भी सफिशिएंटली कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो गैसेस के लॉ हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल से बने हुए होते हैं और इस स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो रैपिड मोशन होता है, कांस्टेंट रैपिड मोशन, इस मोशन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी, मोशन के चलते जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी कहते हैं। उसी तरह से इस तरह के मॉलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होते हैं उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी जो अराइज होती है उसे हमें इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस तरह से इंटरनल एनर्जी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हो गई इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो गई इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम मे बी इंक्रीज बाय कॉजिंग इट्स मॉलिक्यूल टू मूव faster or by causing the molecules to move against intermolecular forces into a configuration of greater potential energy or both. The sum of kinetic and potential energy of the molecule of a body apart from any kinetic or potential energy of the body as a whole is called internal energy and it is denoted by letter U. मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी के टोटल सम को हम लोग टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कहते हैं, जिसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। दस इंटरनल एनर्जी मे बी डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी और बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। व्हेन टू बॉडीज ऑफ अ डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड in contact with each other, the two temperatures approach each other and after some times become equal. This phenomena is described by saying that energy has flown from one body to another.
इसका कहने का मतलब हो गया कि जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर में है और उन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो दोनों टेम्परेचर जो है एक दूसरे के अप्रोच करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, और आफ्टर सम टाइम्स के बाद वे दोनों टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाते हैं। इस तरह के जो फिनोमेनास होता है, इसे डिस्क्राइब किया जाता है कि एनर्जी हैज फ्लोन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जनरली ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर मूव करता है एनर्जी। थर्मोडायनेमिकली दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। दस द फ्लो ऑफ हीट इज नॉन मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट एन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सिस्टम लूजेज एनर्जी बाय कंडक्शन और रेडिएशन, वी मे से दैट इट गिविंग अप हीट एज ए प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ए सिस्टम एंड द सराउंडिंग। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए पर्टिकुलर केस या फॉर्म ऑफ ए जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेट अस सपोज दैट ए क्वांटिटी क्यू ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम। मान लेते हैं किसी सिस्टम में क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। इट इज ए जनरल स्पेंड इन टू वेज। जनरली ये जो हीट है वो दो टाइप से खर्च की जाएगी या स्पेंड की जाएगी। नंबर वन, पार्शली इट इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक पार्ट जो है वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इज स्पेंड इन एक्सपेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रोसेस दैट इज डूइंग एक्सटर्नल वर्क। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी होगा वो सिस्टम में वर्क डन के लिए यूज होगा, जिसको डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। सो मान लेते हैं इफ डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म टू अनदर, सो वी कैन राइट एज क्यू विच इज कन्वर्टेड इन टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मतलब यही क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और वर्क डन करने में खर्च हो रही है, तो डब क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो लेट डेल्टा क्यू डी यू एंड डी डब्ल्यू आर इनफाइनेटली स्मॉल चेंजेस इन हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन रिस्पेक्टिवली, सो वी कैन राइट इक्वेशन वन as dq is equal to du plus dw. This form of equation is equation 2 is the equation represent the differential form of first law of thermodynamics, which may therefore be stated as in all transformation the energy due to heat unit supplied must be balanced by the external work done plus increase in internal energy. ये जनरल डेफिनेशन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सो इंटरनल एनर्जी आर ऑफ टू फॉर्म्स। नंबर वन, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इट इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। एंड नंबर टू, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस बाय द सिस्टम ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इंक्रीजेस व्हेन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। सो लेट डी यू के, के फॉर काइनेटिक, एंड डी यू पी रिप्रेजेंट द चेंजेस इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। सो एज वी हैव सीन दैट, हम लोगों ने देखा कि टोटल इंटरनल एनर्जी दो पार्ट से बने हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म। सो डी यू इज इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी। सो इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज हैज टू थिंग्स विल बी क्यू डेल्टा क्यू डब्ल्यू आर ऑल टू बी मेजर इन द सेम यूनिट्स दैट इज ऑल थ्री आइदर इन जूल्स और कैलोरी और किलो कैलोरी। कहने का मतलब हो गया कि ये तीनों क्वांटिटीज जो है हमें एक ही यूनिट में, सेम यूनिट में हमको मेजर करने हैं, आइदर ये जूल्स में होंगे या फिर कैलोरीज में होंगे या किलो कैलोरीज में होंगे। इफ नंबर टू, इफ द हीट इज टेकन बाय द सिस्टम देन क्यू इज पॉजिटिव एंड इफ इज गिवन बाय द सिस्टम देन क्यू इज नेगेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हीट किसी भी सिस्टम में टेकन बाय द सिस्टम है देन क्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये गिवन बाय द सिस्टम है देन इट इज
क्यू जो है वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन डब्ल्यू इज पॉजिटिव, अगर वर्क जो है सिस्टम के द्वारा बाय द सिस्टम से किया गया है सो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क डन बाय द सम एक्सटर्नल एजेंसी किया गया है ऑन द सिस्टम किया गया है देन डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। ऑल्सो फॉर एन मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी वेयर सी वी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम and if changes occur at the constant pressure then delta q is equal to np cp dt where cp is the molar heat capacity at constant pressure with condition cp minus cv is equal to r, this is called Mayer's formula। next hai hamara supplements of first law, if q is given to in calorie or kilocalorie and u and delta w are in joule the Q can be converted into joule by the help of the relation W is equal to JQ where W is work, Q is the heat and J is 4.2 into joule per calorie or 4.2 into 10 to the power 3 joule per kilocalorie. It is a universal constant called mechanical equivalent of heat. ये J जो है ये universal constant है, इसे हम लोग mechanical equivalent of heat भी कहते हैं। So this states that when mechanical work is spent in a producing heat a definite quantity of heat is produced for every unit of work and conversely when heat is employed to do work the same definite quantity of heat disappear for every unit to work obtained, this statement is called supplement of first law। So the first law of thermodynamics thus establishes an exact relationship between the heat and the work, according to it a definite quantity of heat will produce a definite amount of work, मतलब जो heat है वही work done को produce करता है and vice versa, और work से हमारा heat produce होता है। It denies that work and energy can be created or out of nothing. It means that it is impossible to construct a thermal machine which may operate without any expenditure of fuel and may thus create energy out of nothing. A machine that would do this could run itself and is generally called perpetual motion and machine of first kind. जो अपने आप start हो इस तरह के machine को हम लोग perpetual motions machine भी कहते हैं। The first law rules out such machine and is therefore sometimes defined in the form perpetual motion of first kind is impossible. That means किसी भी work done होने के लिए heat की आवश्यकता होगी या फिर work done होने के बाद heat जरूरत होगा। खुद ब खुद कोई भी मशीन स्टार्ट नहीं होगा, खुद ब खुद कोई मशीन अपने आप वर्क डन स्टार्ट नहीं कर देगा जब तक कि उसके ऊपर हीट सप्लाई ना किया जाए। Thus, the fact that no exception to the first law has been found yet and no one has succeeded in the building such a machine from an experiment basis of first law. So, first law के द्वारा इस तरह के मशीन का बनाना perpetual motion of first kind बनाना पॉसिबल नहीं है। सो This is the first law of thermodynamics. Next हम लोग पढ़ेंगे कि thermodynamic processes में first law of thermodynamics का क्या role है।